सो गाइस, आज मैं हम लोग के यहाँ पे गांव में चंदा उठा के थोड़ा थोड़ा करके जितने भी यहाँ पे लोग हैं देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा चंदा उठा के यहाँ पे हम लोग के गांव में जो शहीद हुआ था सैनिक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे तो आज गांव में चंदा उठा के सब 20-30-40 मिल के सब चंदा उठा के यहाँ पे हम लोग के गांव में श्रद्धांजलि के लिए आए हैं सब गांव के बंदे, देख सकते हो पुलवामा अटैक में जो शहीद हुआ था सैनिक। तो आज मैं यहाँ पे गांव में जितना भी बंदा है सब मिलके यहाँ पे शहीद के लिए कुछ ब्लैक डे पालन कर रहा है यहाँ पे। तो मैं कुछ दर्शकों से बात कराना चाहता हूँ, ये आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा भैया जी थोड़ा बता दिए। 30 दिए आज के हमारे 14 फरवरी पुलवामा हमला जे CRPF सेना शहीद हो तेरा सबा मिले आज के सबा श्रद्धांजलि जानिए। और भी एक बंदा को मैं उससे बात करना चाहता हूँ डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे आया हूँ भैया थोड़ा बताइए इसमें। 2019 साल का ठीक है, जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मानता है मेरा भारतवासी ठीक है, लेकिन जो पुलवामा हमला होने के बाद ठीक है इस दिन को हम सब ब्लैक डे मानता हूँ ठीक है ना। इसलिए मेरा जो 40 जवान शहीद हुए उसके श्रद्धांजलि के लिए हम सब मेरा भाई दोस्त बहुत है लोग है सब मिल के हम ये श्रद्धांजलि ज्ञापन के लिए उपस्थित हैं ठीक है। जी ओके जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, माता की। देखो अभी श्रद्धांजलि के लिए अभी लाइन धर के सब जा रहा है, तो जा रहा है एक बंदा अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है किधर जा रहा हूँ। भारत माता की जय, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक एक करके जा रहा है, आज मैं थोड़ा और जा रहा है। वैसे यहाँ पे देखो वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये गैस यहाँ पे देखो पूरा सब बंद, तो गैस एक एक करके लोग जा रहा है देखो। तो गैस यहाँ पे देखो एक स्कूल है हम लोग का छोटा गांव का, ये स्कूल है इसी स्कूल पे भारत माता के, भारत माता के शहीद जवान, शहीद নীতিশ বন্ধুটাকে সবাই ভাইরাল করে দিও, অনেক খাটনি করে ভিডিও করেছে সবাই।